केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध किसान नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर किया जा रहा है। वहीं किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए विपक्षी पार्टियां अपना पुरजोर विरोध कर रही हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसानों की आवाज को उठाते हुए कांग्रेस विधायक ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना जिला कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। हजारों किसानों की संख्या को देखते हुए और सैकड़ों 500 से अधिक ट्रैक्टर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए, कलेक्टर ऑफिस का घेराव करा। कलेक्टर खरगोन के माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं और सरकार प्रदेश की हो कि देश की हो, काले कानून जो 3 लाए हैं उनको वापस कर लिया जाए तत्काल, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ किसान खड़ा है और किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भविष्य में बड़े आंदोलन का स्वरूप कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी और खरगोन में कलेक्टर ऑफिस के साथ साथ हम राज्यपाल के निवास को 23 तारीख को घेरने जा रहे हैं भोपाल के अंदर। आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर काले कानून तत्काल वापस नहीं ले गए तो बड़ा घेराव की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की तो इस दौरान वहां धक्का मुक्की जबरदस्ती के हालात निर्मित हो गए। वहीं इसी को लेकर महिला विधायक विजयलक्ष्मी साधु ने मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा की शिवराज सरकार पर अपनी भड़ास जमकर निकाली। जिस तरह से देश और प्रदेश के अंदर जो हमारा आनंद आता है किसान, दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से जो आंदोलन कर रहा है और 70 से भी अधिक किसान की मृत्यु हुई है, कोई कड़ाके की ठंड में मरा, किसी ने आत्महत्या की, किसी को टेक आया, लेकिन इस गुंगी बहरी सरकार को आवाज समाज में नहीं आ रही है। इन सबको देखते हुए आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के आदेश पर, आदरणीय कमलनाथ जी के आदेश पर प्रदेश के अंदर ब्लॉकों में, जिला हेडक्वार्टर पर और प्रदेश पर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए हम अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और किसानों की आवाज़ बनकर हम जगह जगह आंदोलन के माध्यम से 8 तारीख को जिले के सभी ब्लॉकों में हम लोगों ने शांतिपूर्वक कोविड का ध्यान रखते हुए रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। आज खरगोन के अंदर सभी हम पूरे जिले के विधायकगण अपने अपने समर्थों के साथ, किसानों के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक जिला हेडक्वार्टर पर हम लोग प्रदर्शन करते हुए, बड़ी भारी तादाद में किसान भी हमारे साथ थे, रैली के रूप में ट्रैक्टर के माध्यम से बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए हम लोग आ रहे थे तो जगह जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको रोक लगाई। हम महिला विधायकों को भी बहुत धक्के पड़े, आदरणीय झुमा सोलंकी जी, मुझे, हमारे साथ और भी महिलाएं थी, काफ़ी धक्के भी पड़े। इस तरह का जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, ये प्रजातांत्रिक देश है, इस तरह की हमारी आवाज़ उठाने का अधिकार है, जनतंत्र को, जनता को आवाज़ उठाने का अधिकार है और हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने क्षेत्रों का, जनता ने हमें चुनकर भेजा है और उस आवाज़ को, वैसे तो हम लोगों ने सबने देखा कि पिछले 2019 के मार्च में हमारी शिवराज मामा की सरकार ने प्रजातंत्र का गला घोटकर सौदे के माध्यम से सौदागरों की सरकार ये बनाई है। उम्मीद तो हमें बहुत कम थी लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह से कहा गया है कि इनकी आवाज़ को बंद करो, उसी का नमूना खरगोन में भी हमको देखने को मिला कि हमको 2 जगह बैरिकेड लगा लगा के रोका गया। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।